तो दोस्तों हम आब गेल छी झंझारपुर स्टेशन और हम बाजि रहल छी मैथिली। हमरा अबैए नहि मैथिली, कोशिश करै छी कि अहाँके मैथिली में कुछ बाजू। और ई झंझारपुर स्टेशन के देखू अहाँ कि बोर्ड दिख रहल छी और अइ से मने हियाँ से एक लंबा जंक्शन प्लेटफार्म जे भी छै ई अतः से दिख रहल छै। आ लेकिन एकटा जे तस्वीर छै अहाँके विचलित कऽ सकै छै, ये बारिश जे भेलैए से ओहिके तस्वीर बदल गेलैए अतः के, जे जेकर आशंका छलैए वह भेलैए अतः कि पानी भरि गेलैए अतः आ नाला के काज चल रहल छै। लेकिन पानी एते छै कि पूरा रोड पर पानी छै, पानी रोड पर बह रहल छै और पानी जे है ओहि में से निकाले के लेल मोटर लगैलिए। तो अब हम हिंदी में बोलते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मतलब तस्वीर बदल गई है, इधर पानी भर गया है, पानी निकाला जा रहा है और उसको पानी को जो है मोटर के जरिए निकाल करके, और हालांकि पूरा पानी जो है रोड पर आ गया है जिससे कि लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है। लेकिन क्या करें, मौसम भी ऐसा है, लेकिन नाला बन रहा है, ये अच्छी बात है। नाले की खुदाई हो गई है, ढलाई हो गई है, हो रही है। बरसात के कारण थोड़ा रुक रहा है काम, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि काम हो रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको कि स्टेशन पर कितना काम हुआ है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देखू बिहार ऑन स्पॉट, आपका अपन चैनल। तो झंझारपुर क्या की यात्रा का यात्रा अहाँ का बिहार ऑन स्पॉट पर झंझारपुर प्लेटफार्म। आ देखू कि प्लेटफार्म नंबर 2 छै ई, आ की भ रहल छै। तो फ्लोरिंग का काम अभी कहीं कहीं पर बचा हुआ है। हम दोनों भाषा में बोलेंगे, हिंदी और मैथिली कोशिश करेंगे। मैथिली हमारा पूरा नहीं आबई है। तो ये देखिए यहाँ पर शेड के लिए जो है ये रखा गया लोहा लक्कड़। तो स्थिति यहाँ पर ये दिखाई दे रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, आप देखिए क्या स्थिति है। तो झंझारपुर देखिए, झंझारपुर की तस्वीर वही है जो बदली नहीं है। बस बदला यही है कि यहाँ पर शेड के लिए जगह जगह लोहा रख दिया गया है, जगह जगह लोहा है और पिलर रखा हुआ पड़ा हुआ, अब इसको खड़ा किया जाना है। मतलब ये स्ट्रक्चर तैयार है, बस इसको खड़ा कर देना है जगह जगह जहाँ जहाँ पर पॉइंट बनाया गया है इसका। और यही बदलाव नज़र आ रहा है नंबर 2 पर, ट्रेन के मामले में, यात्री के मामले में अभी भी वही है, 0 सन्नाटा है जो हर जगह है। स्टेशन तो भव्य है, बड़ा है, लंबा है, जंक्शन है, आने वाले दिनों में मिशन पूर्वोत्तर का बहुत बड़ा जंक्शन है। तो इसलिए झंझारपुर के लिए तो आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं है ट्रेन और यात्री के हिसाब से। बस जो दिख रहा है यही काम दिख रहा है, शेड दिख रहा है और साइड में इस तरफ नाला का काम हो रहा है, क्योंकि पानी अक्सर भर जाता है और ये समस्या यहाँ की बहुत विकट है। और बरसात का समय है तो पानी भरेगा ही, तो उसके लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और रेलवे की जमीन है तो रेलवे को ही ये काम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। तो ये सब हम आपको झंझारपुर स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जंक्शन की तस्वीर दिखा रहे हैं नंबर 2 पर। देखिए यहाँ पर एक गड्ढा है जो दिखाई दे रहा है और ये नई भराई थी इसलिए ये हालत हो गई बारिश के कारण। और ये जगह जगह इस तरह की समस्या आएगी क्योंकि नई भराई है, नया काम है, तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि जगह जगह मिट्टी धंसने से, गड्ढा होने से ये इस तरह की स्थिति बन गई है झंझारपुर जंक्शन पर। तो आगे चलते हैं और आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो आगे चल रहे हैं, ये नंबर 2 का प्लेटफॉर्म है, फ्लोरिंग का काम, फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, बीच बीच में मिट्टी का काम हुआ है और आगे शेड है। शेड पर चल के देखते हैं वहां पर क्या स्थिति है। और ये बगल में अंडरपास है, अंडरपास का काम हो चुका है और ये शेड का काम हो गया है। तो शेड करके देखिए, और ये इस तरफ
यहाँ पे फ्लोरिंग टाइल्स का काम चल रहा है, टाइल्स का काम यहाँ पर है। हालांकि अभी बंद है, लेकिन हो सकता है आगे चल रहा है, ये काम चल रहा है। फ्लोरिंग मतलब ये इसके शेड के नीचे का काम चल रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम टाइल्स का नहीं है, यहाँ पर ढलाई का काम हुआ है। और शेड जो शेड के नीचे ही टाइल्स का काम हो रहा है, वहाँ भी जो आप टाइल्स देख रहे हैं या शेड देख रहे हैं, वो शेड के नीचे ही टाइल्स लगी हुई है उतनी ही दूर तक। उसके बाद ये ढलाई है। और ये काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन है, काफ़ी ऊंचा स्टेशन है। देखिए ताज़ा तस्वीर है ये, बिहार ऑन स्पॉट पर अहाँ के हम दिखा रहे छी। और ये अपन झंझारपुर जंक्शन छे अहाँ देखू। लेकिन यहाँ का जो स्टेशन है भव्य दिखाई दे रहा है। ये इस तरफ रास्ता लौकाहा और तमुरिया चला जाता है इस तरफ। तो ये स्थिति है झंझारपुर जंक्शन की। कुछ है नहीं दिखाने के लिए ज्यादा कुछ, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। आगे चलते हैं, हमारी यात्रा जारी है बिहार ऑन स्पॉट पर। तो झंझारपुर की तस्वीर यहाँ से दिखाई देती है दोस्तों, जैसे लगता है जैसे किसी पहाड़ पे आप आ गए हो, ऐसी तस्वीर दिखाई देती है। और ये देखिए इस तरफ मार्केट है झंझारपुर का, बिल्कुल बीचों बीच आबादी के बीच ये स्टेशन है। यही इसकी एक भौगोलिक दृष्टि से ये काफी इसलिए अहम है, और इसलिए पूरा आबादी इससे प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ देखिए मार्केट है पीछे पूरा, और स्टेशन बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। और इसलिए जो भी जमीन है वो रेलवे की ही जमीन है, और इस कारण से जिनमें अगर नाला बनाना है, रोड बनाना है, तो रेलवे को ही बनाना होगा, इसलिए क्योंकि जमीन जो है वो रेलवे की ही है दोनों साइड में। और इसलिए राज्य सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, और इसलिए डिले होता है यहाँ पर जो भी नाला बनाना हो, सड़क बनाना हो। तो देखिए कितना ऊंचा बनाया गया, और ये बहुत ही नीचा था पहले, और इसको ऊंचा बनाया गया। ये अंडरपास है, यहीं से अब यात्री जो है ऊंचा है, तो इसलिए यहीं से यात्री जो है वो ऊपर आएंगे, स्टेशन पर आएंगे और स्टेशन से बाहर जाएंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। और जब ये ऊंचा बनाया गया था तो ये आशंका थी कि दोनों साइड पानी जमेगा और आवागमन में दिक्कत होगी, और वही हो रहा है। नाला का काम तो चल रहा है, बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी हो सकता है अगले बरसात में ये ठीक हो जाए। तो आप देखिए किस तरह से काम हो रहा है, यहाँ पर पंपिंग सेट का लगा हुआ है, क्योंकि पानी जो है नाले के अंदर भर गया है, और वही नाले के अंदर जो पानी भर गया है उसको निकाला जा रहा है, ताकि काम जो है नाले का शुरू किया जा सके। और पूरा पानी भर गया है जगह जगह, बारिश इतनी तेज हुई कि पूरा पानी भर गया है, तो जाना भी संभव नहीं है, पैदल जाना भी संभव नहीं है इस पूरे इलाके में। स्टेशन के ठीक सामने का ये इलाका है, और ये नाला रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए इसमें जो है इसको कुछ कहा भी नहीं जा सकता राज्य सरकार को, ये रेलवे की ही जिम्मेदारी है। तो जगह जगह जो है ढलाई किया गया है नाले का, और जगह जगह उसमें दिखाई भी दे रहा है कि उसके ऊपर ढक्कन भी डाल दिया गया है, लेकिन कई जगह पे खुला हुआ है और काम चल रहा था, पानी भर जाने के कारण काम डिले हुआ। तो इसलिए तो छोटे छोटे मोटर लगा करके पानी को निकाला जा रहा है, ताकि काम को शुरू किया जा सके और नाला जो है स्थायी नाला बनाया जा सके। तो ये स्थिति है यहाँ की झंझारपुर स्टेशन की, जो नारकीय स्थिति जिसको बोलते हैं वो बनी हुई है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको आगे दिखाते हैं, हमारी यात्रा जारी है स्टेशन की, झंझारपुर स्टेशन की, और उसके फिर आगे चलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार ऑन स्पॉट और दरभंगा रॉक्स भी अहाँ देखू। बिहार ऑन स्पॉट दरभंगा रॉक्स हम कोशिश करे छी कि मैथिली में बाजू, लेकिन बीच बीच में हमर तारतम्य टूट जाए छे, हम नहीं बाज सकै छी ठीक से, तै दुआरे अहाँ के हम नहीं, अहाँ के फ्लुएंसी नहीं छे ओहिमें, कहीं कहीं रुक जाए छी हम, तै से हम अहाँ के हिंदी में बाजे छी फिर बीच बीच में। कोशिश करै छी कि अहाँ के झंझारपुर यात्रा मैथिली में अहाँ के दिखाऊ, अपन जे अपन भाषा छै, हमर भाषा छै, अहाँ सबके भाषा छै, ओहिमे दिखाइयौ। तो कोशिश करै छी, ये देखू कि स्टेशन के ठीक सामने ई सब आबादी छै, अहाँ बाजार छै, और ई सब नालों के काज चल रही है अखन। तो ये छै स्थिति स्टेशन और स्टेशन के बाहर के आसपास के, बरसात में मानसून में की हाल छे से यहाँ के सामने छे। अब देखिए ये पानी जो है वो सड़क पे चल रहा है, ये पानी जो है सड़क पे आ रहा है, इसलिए क्योंकि पानी निकाला जा रहा है नाले से, नाले में पानी जम गया है। अब ये लोग इस तरह से पानी में चले नहीं चले तो क्या करें। देखिए स्थिति क्या है कि पानी जो है वो सड़क पे चल रहा है, नाला सड़क पे है,
और ये स्थिति पूरे स्टेशन के किनारे दोनों साइड में स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रोड जो है वो नीचा हो गया है और जो नाला है उसमें पानी जम गया है। हालांकि नाले की खुदाई हुई है लेकिन यहाँ पे नाला नहीं है, यहाँ पे नाला नहीं है, तो बीच में नाला बना है लेकिन यहाँ पे नाला नहीं है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और क्या स्थिति आपके सामने है कि आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ के झंझारपुर के लोग की हालत क्या है। और ये नाला जब तक नहीं बनेगा तब तक, पूरा नहीं बनेगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी, इसलिए इसको माफ कीजिएगा, इसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ताकि अगले मानसून तक जो है लोगों की समस्या का निदान स्थायी हो सके। ये स्थिति है झंझारपुर की। कहाँ सबके केहन लगले से यहाँ जरूर लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ आ हमारे चैनल पर, अपन चैनल से देखत रहूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।